हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर खान मदीहा आपका जो सिलेबस है आपका इसी चैनल पर कवर करा दूंगी। साथ में आपके जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स होंगे, स्वमत और लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, वो डाउट्स और क्वेरीज रहेंगी, उसे भी मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी और ये सारी चीज़ों को भी कवर करूंगी। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे हमारी युवक भारती 12वीं कक्षा की, तो इसका जो पेपर पैटर्न है वो भी काफ़ी अलग है पहले के पेपर पैटर्न से। जो सिलेबस है वो भी काफ़ी अलग है पहले के सिलेबस से। तो जो हमारी पढ़ाई रहेगी वो भी थोड़ी अलग डिफरेंट पैटर्न में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हमारा पहला पार्ट जो है नवनिर्माण। तो देखिए, एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि कभी भी हम किसी भी पार्ट को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं या किसी भी कविता को हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें ये जानना है कि उस कवि के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कवि कब पैदा हुए, उनका जो निधन था वो कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, उन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला है और वो किन टॉपिक्स पर बुक लिखते थे, ये सब क्या होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है एक राइटर की। तो अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हो या आपको पोइट्रीज पढ़ना अच्छा लगता है, आपको पार्ट स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये चीज़ आप आगे जाके जब किसी को बताओगे कि मुझे लिटरेचर पसंद है या मैं पोइट्रीज पढ़ता हूँ या मैं बहुत सारी स्टोरीज पढ़ता हूँ, तो एक ये जेन्युइन सा क्वेश्चन है सामने वाला जो तुमको पूछेगा वो ये कि आपका फेमस राइटर कौन है, आपका फेमस पोएट कौन है। या तो फिर ये पूछ सकता है कि आप उनकी कौन सी ऐसी राइटअप है या उनकी ऐसी कौन सी पोएम है जो आपको पसंद है। तो वो सारी चीज़ों को जवाब देने के लिए आपको ये सब चीज़ें आना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें कब आएगी, जब आप लेखक का बैकग्राउंड पढ़ोगे, ये एक कारण है। दूसरा कारण लेखक का ये पढ़ने के लिए ज़रूरी है या कोई भी कवि है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब से आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तब से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है पोइट्री के सेक्शन में साहित्य संबंधी, जिसमें आपको कवि के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कवि का जन्म कब हुआ, कवि की प्रमुख कृतियाँ, कवि का वास्तविक नाम क्या था। तो ये सारी चीज़ों जैसे सवालात पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब का आंसर लिखने के लिए पहले आपको ये सब की जानकारी होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई है कि हम कभी भी कोई भी चैप्टर, कोई भी पोइट्री स्टार्ट करेंगे तो पहले हम क्या पढ़ लेंगे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है टेक्स्ट बुक के ऊपर, एक बॉक्स दिया रहता है, टेक्स्ट बुक्स है ना सब में ऊपर एक बॉक्स दिया होता है, उसमें थोड़ा सा इंट्रो लिखा होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारे कवि का इंट्रो जो दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, त्रिलोचन जी का जन्म कब हुआ, 20 अगस्त 1917 को हुआ। कहाँ पर हुआ, आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, आप सुल्तानपुर जिले से बिलोंग करते हैं। किस जगह पे हुआ, आपका जन्म कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये पूछ सकता है। तो आपका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, वसुदेव सिंह है। देखो, जो भी कोई राइटर या कोई भी पोएट होता है ना, तो उसका 2 नाम होता है, एक नाम होता है उसका पेन नेम और एक नाम होता है जिससे वो जाना जाता है, उसका वास्तविक नाम। तो यहाँ पर जो हमारे त्रिलोचन जी हैं, ये उनका पेन नेम है त्रिलोचन, और उनका जो वास्तविक रियल नाम है वो क्या है, वसुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। निष्णात मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का मास्टर होना, अच्छा ज्ञान रखने वाले को हम क्या कहते हैं, निष्णात कहते हैं। और अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब होता है एक्सेसिव, अधिकतर। तो आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं, मतलब कि आप जो हिंदी और फारसी भाषा है उनमें आपने बहुत ही ज़्यादा काम किया, एक्सेसिव क्वांटिटी में आपने लिखा है। और दूसरी चीज़ यहाँ क्या पता चलती है कि आप मास्टर हैं ये दोनों सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग हम देख सकते हैं कि आपको हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी भी आती थी और आप ये दोनों भाषाओं में क्या थे, एक्सपर्ट थे, मास्टर थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव रहना, क्या होता है, एक्टिव रहना। तो आप पोइट्रीज भी लिखते थे, स्टोरीज भी लिखते थे, साथ ही साथ आप जो पत्रकारिता थी उसमें भी क्या थे, आप एक्टिव थे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धार्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। प्रयोग धार्मिता मतलब होता है एक्सपेरिमेंटलिज्म, क्रिटिकल एनालिसिस, और प्रेरणा स्रोत मतलब होता है किसी का भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो आप कभी भी किसी चीज़ को पढ़ते थे या लिखते थे तो उसको क्रिटिकली आप एनालाइज कर लेते, एक्सपेरिमेंटली उसको एनालाइज करते थे, फिर उस चीज़ को लिखते थे या पढ़ते थे। दूसरी चीज़, आप नव सृजन करने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहे, मतलब आपके जितने भी रीडर्स थे या जो भी फॉलोअर्स थे आपके, जो आपसे इन्फ्लुएंस होते थे, उनके लिए आप क्या थे, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षा से दबा कुचला हुआ है, दैट इज आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं। तो आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज, उस समाज से बिलोंग करता है जो काफ़ी दबला कुचा हुआ है पहले से, दबा कुचला हुआ है पहले से, दैट इज़ यू बिलोंग टू अ
लोअर मतलब होता है ना जो दबा कुचला निचला होता है, मतलब बोलते हैं ना इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, इतने ज़्यादा लोगों के पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो उस समाज से आप क्या करते थे, बिलोंग करते थे, मतलब जो पीछे था, बहुत ही पिछड़ा हुआ था। आपके साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है, मतलब आपकी जो भाषा है वो किससे इंस्पायर है, हिंदी लैंग्वेज से। आपने हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा काम किया है, तो आपकी क्या है, लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य के लोकमानस तक पहुंचकर जीवंतता भी प्रदान करती है, मतलब आप सहज सरल मतलब एकदम सिंपल राइटअप्स लिखते थे तथा मुहावरों से परिपूर्ण, और उनमें चार चांद लगाने के लिए आप क्या यूज़ करते थे, मुहावरे। देखो मुहावरा आप कहीं पर भी यूज़ करोगे ना तो उस चीज़ में ना एकदम निखार आ जाता है, अलग ही चमक आ जाती है मुहावरों की वजह से। तो आप भी यही करते थे, सबसे पहले तो आप अपने राइटअप्स को सिंपल लिखते थे, दूसरी चीज़ आप मुहावरों का इस्तेमाल कर ना उसमें चार चांद लगा देते थे। आपका साहित्य लोकमानस तक पहुंचकर जीवंता भी प्रदान करती है, और आपका ये जो साहित्य है जब ये लोगों तक पहुंचता है तो उन्हें क्या देता है, एक जीवंता प्रदान कर देती है, एक मोटिवेशन देती है, एक इंस्पिरेशन दे देती है, एक वे ऑफ लाइफ दे देती है, एक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ दे देती है। आपका निधन 2007 में हुआ, निधन मतलब होता है मौत, डेड, सो ही वॉज डेड ऑन 2007, वो कब, उनकी मौत कब हुई, इन 2007। सो लेट अस रीड द प्रमुख कृतियाँ ऑफ दिस, धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कविता संग्रह, देशकाल, कहानी संग्रह, दैनादिनी डायरी और आदि। तो प्रमुख कृतियाँ मतलब होती है उनकी जो फेमस कृतियाँ हैं उनके बारे में बताया है। तो आपने बहुत सारी कृति लिखी, जैसे कि धरती, दिगंत, गुलाब, बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देशकाल, दैनादिनी, ये सारी। तो इनमें से आप ना कोई दो याद रख लीजिए, वो आप वहाँ पर लिख दोगे तो एक माह के लिए काफ़ी रहेगा। धरती और दिगंत बहुत ही सिंपल है, या फिर गुलाब और बुलबुल, तो ये दोनों भी याद रखोगे तो भी चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो है हमारा विधा परिचय। चतुष्पदी चार चरने वाला छंद होता है, यह चौपाई की तरह होता है। तो ये जो पोइट्री है, जो ये नव निर्माण दिया हुआ है हमारा पहला पार्ट, वो क्या है, चतुष्पदी है। ये चार चरणों वाला छंद होता है, मतलब इसमें चार चरण होते हैं, चार लाइन होती है, ये चौपाई की तरह होती है। चौपाई भी एक हिंदी की पोइट्री का टाइप है, इसमें भी क्या होते हैं, चार चरण होते हैं चौपाई में, और ये जो है हमारी चतुष्पदी, इसमें भी कितने होते हैं, चार चरण होते हैं। इनके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है, तो इनकी जो फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ लाइन होती है उनमें क्या होती है, तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप से परिपूर्ण होती है, मतलब कि भाव और विचार की दृष्टि में प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है, मतलब भले ही वो छोटी होती है बट उसमें जो फीलिंग्स और जो थॉट प्रोसेस जो कवि बताना चाह रहे हैं वो पूरी हो जाती है, भले ही वो छोटी होती है। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है, वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। तो ये जो चतुष्पदी जहाँ पर कवि हमें बहुत सारा मैसेज देना चाह रहे हैं वहाँ पर है कि प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है, मतलब कि कवि जो यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं वो पूरा हो जाता है, भले ही वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। वर्तमान मतलब होता है प्रेजेंट, और मनुष्य मतलब होता है इंसान, संघर्ष मतलब होता है हार्डवर्क, और अनिवार्य मतलब होता है कंपलसरी होता है। तो आज का जो समय है वर्तमान समय में आपको हार्डवर्क करना ही है, विदाउट हार्डवर्क यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल पेन। ठीक है, अगर वो पेन भी खरीदें तो भी आपको उठ के उस जगह से लेना होगा या दुकान पर जाकर लेना होगा। सो लाइफ इज नथिंग विदाउट हार्डवर्क। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर देने की प्रेरणा देते हैं। तो कवि यहाँ पर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चतुष्पदी के जरिए, कि आपको अपने लाइफ में मेहनत करते रहना, विदाउट हार्डवर्क देर इज़ नो लाइफ, आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा आपकी ज़िंदगी में जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे, और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। तो लाइफ है तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स आएगी, अंधेरे आएंगे, तो उन अंधेरों को दूर कर हमें आगे बढ़ना है, प्रकाश की ओर जाना है। तो ये कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, जीवन में व्यक्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं हमें, कि जिसके भी लाइफ में, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ में इनजस्टिस, उनको जो जस्टिस है उनको फेयरली मतलब वो नहीं मिलता है, जजमेंट नहीं मिलती है फेयरली, या फिर उनको कोई डोमिनेट करता है, उनकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिससे वो कम अप नहीं हो पा रहे। ठीक है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, उतने अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी ताकत नहीं कि उस चीज़ से बाहर निकले। तो ये सारी तकलीफ़ों से हमें क्या करना है, जीत पानी है सारी चीज़ों से, और हमें बाहर निकल कर ये सारी चीज़ों को सामना कर आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि ये सारी चीज़ों से निजात कैसे मिलेगी, जब तक आप बल और साहस ये दोनों चीज़ों को एक साथ एकत्रित कर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप ये सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ पर कभी कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर हमें क्या करना है, आगे निकलना है, बाहर निकल कर आगे बढ़ जाना है अपने जीवन में। फिर कहते हैं, न्याय
के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। तो अगर आपको समाज को डेवलप करना है, आगे लेके जाना है, प्रोग्रेस करवाना है हमारे समाज को, तो हमें क्या ज़रूरत है? हमारे बल की ज़रूरत है। जब तक हम बल का सही उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज का उत्थान नहीं होगा। इस सत्य से भी कभी हमें क्या करते हैं? अवगत करते हैं, मतलब अवेयर करते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, यहाँ उनका मानना है कि समाज में समानता, सोसाइटी में इक्वालिटी, स्वतंत्रता मतलब होता है फ्रीडम और मानवता मतलब होता है ह्यूमैनिटी। तो ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, को स्थापित करना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। मतलब हमारा ये पर्पस, हमारा ये एम ही होना चाहिए कि हमें समाज में क्या करना है, ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। और वो सारी चीज़ें क्या हैं? समानता, स्वतंत्रता और मानवता। मैं बोलती हूँ आप लोग ना इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना एग्जाम में, लाइक स्वमत में ही अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसको क्या करेंगे? लिख दोगे। तो इससे ना आपको थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पे, और एज वेल एज रीड करने में भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को इस टॉपिक समझा है, पोएम समझी है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक पोएम का भी ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये जो चतुष्पदी है, जो चार लाइन की चरण वाली जो चतुष्पदी है, उसमें हर चतुष्पदी आपको एक मैसेज देना चाहती है। मतलब हम लोग जो पोएम पढ़ते, देखो ना, एक ही पोएम होती है और फिर इन द एंड वो पोएम कोई मैसेज देती है। ठीक है, एक ही सिंगल होती है, बट यहाँ पर कैसा चार चार लाइन का ना स्टैंजा दिया हुआ है, बहुत सारा स्टैंजा है, तो वो हर स्टैंजा आपको एक मैसेज दे रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है। जैसे हम जो पोएम पढ़ते हैं उसमें क्या एक स्टोरी दी रहती है एक पोएम में, और फिर नीचे हमको क्या मिलता है? कंक्लूशन मैसेज मिलता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर स्टैंजा अपने आप में इंडिपेंडेंट है और वो आपको एक मैसेज देना चाहता है। ठीक है, तो हर स्टैंजा यहाँ पर आपको एक मैसेज दे रहा है, और काफी सिंपल है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर कभी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मैसेज के लिए शायद इसे लिखे हैं चतुष्पदी को, क्योंकि हर स्टैंजा आपको एक मोटिवेशन ही दे रहा है। तो हम पढ़ने वाले हमारी चतुष्पदी, जितने भी हमारी चतुष्पदी दी गई है, वो सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना और फुल फोकस, पूरा फोकस यहाँ पर रखना। सामने टेक्स्ट बुक रख के बैठो, जो भी वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ उसको लिखो, और साथ ही साथ उसको क्या करो? अंडरलाइन करो। तो हमारी जो पहली चतुष्पदी है, जो हमारी, वो है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो यहाँ पर त्रिलोचन जी, तुम किसे कह रहे हैं? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा और मेरे दिमाग में भी आया था कि यहाँ पर कवि तुम किसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर कवि तुम धरती को कह रहे हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको। विश्वास का अगर समानार्थी पूछा गया तो लिख देना भरोसा। विश्वास का समानार्थी क्या होता है? भरोसा। उच्छ्वास मतलब होता है किसी को भी दिलासा देना, प्रोत्साहन करना। भूमि मतलब होती है धरती, और अगर आकाश का समानार्थी पूछा तो लिख देना नभ या आसमान, और भूमि का अगर समानार्थी पूछा तो लिख देना धरती। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रही, क्योंकि ये सारे रिलेटेड ना पूछे जाते हैं, मतलब इस स्टैंजा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको क्या हो, आगे प्रॉब्लम ना हो। तो तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। यहाँ पर कवि धरती को कहते हैं कि तुमने जो मुझे विश्वास दिया है, जो प्रोत्साहन, जो दिलासा तुमने मुझे दिया है, वो मैं हमेशा क्या करूँगा? धरती पर संभाल कर रखूँगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। आकाश मतलब यहाँ पे क्या कवि बताना चाह रहे हैं, यहाँ उन्होंने इमेजरी यूज़ किया है ये बताने के लिए कि तुमने इतना बड़ा मुझे आकाश दे दिया, मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे दे दिए हैं, ये विश्वास और उच्छ्वास जो दिया है ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ के बराबर है ये विश्वास और उच्छ्वास। ऐसा देखकर मुझे मानो तुमने असीम संसार दे दिया है। तो देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा, किसी के भी लाइफ में ना अगर उसके पास किसी का ट्रस्ट है और किसी का उच्छ्वास है, किसी का प्रोत्साहन है, तो उसके बेसिस पर, उसके बलबूते पर इंसान ना बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है। अगर आपके पास ट्रस्ट है और क्या है, आपके पास उच्छ्वास है, ऑफ कोर्स अगर आपको कोई दिलासा दे रहा है दैट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट गर्ल, यू कैन मेक इट, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हमको कोई बोल रहा है, बार बार हमें मोटिवेट कर रहा है ये सब कुछ देकर, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपने लाइफ में? ऑफ कोर्स बढ़ोगे, पर आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को लिमिट में यूज़ करना है। तो यहाँ पर कभी यही वादा करते हैं धरती से कि तुमने जो मुझे विश्वास दिया है, जो प्रोत्साहन तुमने दिया है, मैं उसे भूमि पर संभाल कर रखूँगा, धरती पर उसे क्या करूँगा? संभाल कर रखूँगा। मैं आसमान में नहीं उड़ूँगा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा क्या रहेगा? ध्यान रहेगा। तो जो पहली चतुष्पदी, उससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें लाइफ में अगर कोई हम पर ट्रस्ट करता है, या कोई हमें कुछ दे देता है, या हमें कोई चीज़ मिल जाती है, तो हमें सबसे पहले उसका क्या करना है? मिसयूज़ नहीं करना है, और दूसरी चीज़ें क्या, उसे संभाल कर रखना है, और उससे सही फ़ायदा उठाकर क्या करना है, उसका एडवांटेज लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, जिस तरह कवि कहते हैं कि मैं हमेशा धरती पर रहूँगा, जो मेरा पैर रहेगा वो हमेशा धरती पर रहेगा, और मुझे ये पता रहेगा कि मैं अपनी लिमिट में रहूँ, मुझे अपनी मर्यादा का क्या रहे, हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, तो अब जो दूसरी चतुष्पदी है उसे देखते हैं।
सूत्र ये तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे सूत्र मतलब होता है कि व्यवस्था, किसी भी तरीके का व्यवस्था, नियम को क्या कहा गया है, सूत्र। एक तरफ से सूत्र का मतलब होता है कि जासूस, खबरी, बट यहाँ पर सूत्र का मतलब है किसी भी तरीके का नियम और क्या होता है, व्यवस्था। भूमि तो मैंने बताई थी, भूमि मतलब होती है धरती, व्योम मतलब होता है आसमान, ठीक है। तो सूत्र ये तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। तो कवि यहाँ पर किसे कह रहे हैं, ये कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, चाहे वो कितनी भी आकाश में क्या करे, उड़ाने भरता रहे, या फिर कहीं भी उड़कर चला जाए, बहुत ही बड़ा आदमी बन जाए, बहुत ही हायर पोस्ट वाला आदमी, बहुत ही वेल्दी आदमी बन जाए, पर उसे अंत में कहाँ पर आना है, अपनों के बीच, यानी कि हमारी धरती पर आना है। आप धरती को कभी भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अपना जो पन है, जो लोग हैं आपके, ये जो समाज है, इसको आप कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे आप कितने भी बड़ी इंसान क्यों ना बन जाए, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट आपको क्यों ना मिल जाए, आपको लास्ट में कहाँ पर आना है, लोगों के बीच, यानी धरती पर आना है। फिर कभी यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि ये बात तो सत्य है कि इस सच्चाई जो है, ये जो सच्चाई यहाँ पर कभी हमें बता रही है, जो सच्चाई, ये बात पूरी सत्य है, 100% सच है। इंसान चाहे कितना भी दिखावा क्यों ना कर ले, कितना भी आडंबर क्यों ना कर ले, वो अपनी जो रियलिटी, उससे कभी भाग नहीं सकता, वो रियलिटी कभी भी झूठी साबित नहीं हो सकती। तो इंसान अपनी रियलिटी से कभी भाग नहीं सकता, चाहे वो इस बात को कितना भी क्या करे, तोड़ दे, मरोड़ दे, झूठा साबित कर दे, पर ये चीज़ कभी झूठी साबित नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें क्या मैसेज मिलता है कि आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाए, कहीं पर भी पहुँच जाए, कितना भी पैसा आपके पास आ जाए, आपको लास्ट में कहाँ पर आना है, अपनों के बीच में आना है। तो इसका मतलब क्या कि हमें अपनों से रिश्ता क्या करना है, अच्छा बनाना है, हमें घमंड नहीं करना है, ठीक है। जब आपको उसी समाज में रहना है तो उस समाज से आप अगर हटकर लड़ाई झगड़ा करोगे तो क्या उस समाज में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। यहाँ पर कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, चाहे कहीं पर भी पहुंच जाओ, लास्ट में आपका एंड कहाँ पर है, धरती पर है, दैट इज विद ह्यूमंस, ठीक है। तो अगर ये दोनों नहीं समझा होगा, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना। बढ़ते हैं आगे। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपकी जो राह है, ठीक है, आपका जो वे है, आपकी जो लाइफ का जो वे है, उसमें भले कितना भी अंधेरा हो, ठीक है, वो अंधेरा क्यों आया है, ताकि आप क्या करो, आगे ना बढ़ पाओ। देखो, आप जब भी कभी लाइफ में कुछ काम करने चलोगे ना, आगे बढ़ने की जब आप कोशिश करोगे, तो पीछे 70 लोग होंगे जो आपकी क्या करेंगे, पैर खींचेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, आपकी राह में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स लाएंगे ना, ताकि आप क्या करो, अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ। और बहुत सारी स्ट्रगल्स, ऐसी ऐसी परेशानियां आएंगी ना, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो ये तो होना ही है, देखो लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, विदाउट प्रॉब्लम्स लाइफ इज नथिंग, लाइफ है ही नहीं प्रॉब्लम्स के बिना, ठीक है। तो जब भी आप अगर आगे कुछ भी अचीव करने जाओगे तो पीछे 1000 परेशानियां आएंगी, पर यहाँ पर आपको क्या करना है, वो 1000 परेशानियों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, उन परेशानियों को ये दिखाने कि तू कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ठीक है, मेरे हौसलों के सामने तेरी जो ये कठिनाइयाँ, ये जो परेशानी है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए, आपको उसको दबाकर आगे बढ़ जाना है। जिस तरीके से हम साइकिल चलाते, पीछे जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो बॉटल्स और जो पत्थर आते हैं ना साइकिल के बीच में, जब हम उसे चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस साइकिल के पहिए से उसे क्या कर देते हैं, कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं, उसे दबा कर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी करना है, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम, जितने भी अंधेरे, जितने भी सैड डेज, बैड डेज जो भी हो आएंगे, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ से आगे बढ़ना है। यही चीज़ यहाँ पर कभी क्या कहना चाहते हैं कि सत्य है राह में अंधेरा, ये बात सच है कि आपकी राह में क्या है, अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, आप आगे ना बढ़ पाओ रोकने के लिए वो अंधेरा क्या है, घिरा हुआ है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, मतलब तुम कर पाओगे क्या काम। तो ऐसा जब लोग आपको क्या करें, आप पर डाउट करें, तो आपको वो चीज़ और कर दिखानी है। तो बढ़ चलो सामने अंधेरा है, आपको आगे बढ़ना है और अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा करना है। यू हैव टू कम अप विथ सच फ्लाइंग कलर्स। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़कर कुछ नया करना है। बल नहीं होता सताने के लिए, वो है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। देखो यहाँ पर मैं दो वर्ड का यूज़ करूँगी, एक है सार्थक और एक है निर्थक। निर्थक मतलब होता है मिसयूज़, और सार्थक मतलब होता है किसी चीज़ का सही उपयोग करना। तो आपके पास कभी भी पावर होती है, ठीक है, तो आप उसका दुरुपयोग करते हो, एज लाइक अगर आप मॉनिटर हो क्लास के, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आप क्या करोगे, उन बेस्ट फ्रेंड्स की अगर गलती भी रहेगी तो भी उनकी गलतियों को क्या करोगे, छुपाओगे, और जो बच्चों की गलती नहीं रहेगी, जो आपके दुश्मन रहेंगे, उनको भी क्या कर दोगे, फंसा दोगे। तो यहाँ पर आपने अपने पावर का क्या किया, मिसयूज़ किया। तो यहाँ पर कभी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास बल है, किसी चीज़ का पावर है, तो वो किसी को सताने के लिए इस्तेमाल मत करो, वो है पीड़ित को बचाने के लिए। पीड़ित मतलब कोई भी जो परेशान इंसान है, कोई भी तकलीफ में, तो उसको क्या करो, बचाओ। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अगर आपके पास कोई पावर दी है,
ऊपर वाले ने, तो आपको क्या करना है, उसका सही इस्तेमाल कर कर लोगों का भला करना है, ना कि उसका इस्तेमाल कर कर किसी की लाइफ में और प्रॉब्लम्स लाना है, जिस तरीके से आजकल होता है। आजकल ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास पावर है तो आपसे जो नीचे हैं लोग उनको क्या करेंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, उन पे अपना डोमिनेंस दिखाएंगे। बट ये चीज़ क्या है, गलत है। ये चीज़ सोशली भी गलत है, ये चीज़ पॉलिटिकली भी गलत है, ये चीज़ रिलीजियसली भी गलत है। तो ये चीज़ गलत है, ये हमें नहीं करना है। तो इसी का आह्वान यहाँ पर क्या करते हैं, कभी हमें देने की कोशिश करते हैं। और आप बोलोगे अभी हमको ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, राइटिंग स्किल तो हो गया, पोएम सेक्शन हो गया, चैप्टर हो गया, ग्रामर कहाँ से पढ़ना है? तो आप लोगों को पता होगा कि आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। मैं अन अकेडमी में आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट कराती हूँ। जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड, ये वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे यूट्यूब चैनल में लाइव आती हूँ आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है। लाइव 1 घंटे तक 6 to 7 में लाइव रहती हूँ, वहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। 3 महीने से हमारी पढ़ाई चल रही है। नहीं करे हो तो जल्दी से आ जाओ, ओके। स्पेशल क्लास में भी इनफैक्ट वहाँ पे 1 पढ़ा भी चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को 100% सिलेबस कम्प्लीशन चाहिए, आप लोग साइंस के हो, कॉमर्स के हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग ने अगर ट्यूशन नहीं लगाए हो और आप लोग सोच रहे हो कि यू वांट 24/7 गाइडेंस फ्रॉम सम एजुकेटर्स, सो आई विल रिकमेंड टू बिकम प्लस सब्सक्राइबर ऑफ अन अकेडमी, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना होता है, आपके सामने देखो चार्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम अमाउंट में आप लोगों को जो क्वालिटी मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, बिकॉज मैं खुद नोटिस कर रही हूँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग आओ, एक बार स्पेशल क्लास अटेंड करो और फिर देखो, आपको अगर जमता है तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी लो और अपनी 100% सिलेबस, 100% मतलब सारे सब्जेक्ट, साइंस हो, साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, हमारे मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब कुछ, और कॉमर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट 100% सिलेबस कवर कराए जाएंगे। मोर देन 1 एजुकेटर्स होते हैं, आपको PDF नोट्स दिया जाता है, ठीक है। एक बार ये चार्ट पे नज़र डालो और अब मुझे जल्दी से बताओ प्लीज़ आप लोग कि आपको नेक्स्ट सेशन में क्या चाहिए।